सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे एक नवी सीरीज दी नैब तहसीलदार दी। इस दे विच जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस सीरीज दे विच करवावांगा और इस सीरीज का सैट वन मैं तुहाडे सामने लैके आया। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ता जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू कर दें मैच द फॉलोइंग। देखो दो लिस्ट दित्ती हुई आप, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट टू दे विच साइट है और लिस्ट वन दे विच साडे कोले फाइंडिंग्स है जो इन्हां साइट्स नूं खुदाई करन तो बाद मिलियां। टॉपिक तुसी समझ गए होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन दा टॉपिक है और इहदे विच सानूं सैकेंड लिस्ट दे विच कुछ साइट दित्तियां गईयां और फर्स्ट लिस्ट दे विच उन्हां विचों लभियां होईयां चीजां मतलब फाइंडिंग्स। तो देखते हैं किहड़ी चीज कित्थों मिली। सब तो पहला डबल बरियल। देखो डबल बरियल जिन्हों तुसी ड्यूल या ट्विन बरियल भी बोल देने हो, तो दो लाशा इको कबर दे विच्चों, ए सानू कित्थों मिलती है? तो ए मिलती है सानू लोथल चों, ठीक है। फायर अल्टर, फायर अल्टर जिन्हों तुसी हवन कुंड बोलते हो, ए हवन कुंड का जो कॉन्सैप्ट है ए सानू कित्थों मिलिया? तो ए मिलता है कालिया बंगा तो। वर्क मैनस क्वार्टर, तो वर्कमैनस क्वार्टर सानू मिलते हैं हड़प्पा तो। अते जो बीड्स मेकिंग है, जो मतलब मोती बनाउन दा जो कॉन्सेप्ट है, मोती बनाउन दा जो कारखाना है, ये सानू मिलता है चन्नो दड़ो चो। तो इहदा जो राइट आंसर बनेगा तो वह की बनेगा? देखो तो जो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए। तो डबल बरियल मिलिया सानू लोथल चो, फायर अल्टर सानू मिलते हैं कालिया बंगा चो, वर्कमैनस क्वार्टर मिले सानू हड़प्पा चो, और बीड मेकिंग मतलब मोती बनाउन दा जो कारखाना सी ए मिले सानू चन्नो दड़ो चो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वन। द मेन टास्क ऑफ द राजन इन ऋग्वेदा वास। देखो ऋग्वेद दे समय जो राजन सी, जो रूलर सी, उसका मेन काम की सी? टू प्रोटेक्ट हिज पीपल, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अते जो लड़ाई है उहदे विच उन्हां नूं लीड करना, या टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देना अते टैक्सेस नूं कलैक्ट करवाना फार्मर्स तों, या गद्दी ते बैठना टू सिट ऑन द थ्रोन एंड क्वीन मतलब जो ऑर्डर है वह अपनी क्वीन नूं देना, या टू फॉर्म एन आर्मी, आर्मी नूं इकट्ठा करना लड़ाई दे समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा वन, प्रोटेक्ट हिज पीपल एंड टू लीड हिम टू विक्ट्री इन वॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वन। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन लिस्ट टू नाल मैच करना है। देखो अपने कोले जो रिवर है ओल्ड अते न्यू रिवर्स दे नाम है, तो आपां इह दसना है कि किस रिवर दा पुराना नाम की सीगा। तो देखो देखते हैं इंडस, इंडस दा पुराना नाम जो सी ओ सी सिंध, सिंधु। गोमती, देखो गोमती दा जो पुराना नाम सी ओ सी गोमल, तो इसका जो राइट आंसर है बनेगा वह बनेगा गोमल। उस तो बाद जेलम, देखो जेलम नू पुराने समय दे विच बुलाया जांदा सी वितस्ता, तो इसका जो राइट आंसर है वह है वितस्ता। और उस तो बाद आ गया काबुल, देखो काबुल नू जो पुराने समय दे विच कूबा दे नाम नाल बुलाया जांदा सी, तो इसलिए जो काबुल है इसका पुराना नाम बनेगा कूबा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह की है? देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा बी, इंडस। इंडस का पुराना नाम सिंधु, गोमती, गोमती का पुराना नाम गोमल, जेलम, जेलम का जो पुराना नाम है वह है वितस्ता, अते काबुल, और काबुल का पुराना नाम है कूबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टू। देखो इतने मैं तुम्हें कुछ होर भी रिवर्स दस दिना जिमें कि ब्यास। देखो ब्यास नूं असी विपासा बोल दें, पुराना नाम है ब्यास का विपासा। अगर पूछ लें सतलुज, तो सतलुज का जो पुराना नाम है वह है सतुद्री। और अगर चनाब पूछ लें तो चनाब का जो पुराना नाम है यह है अस्कनी। तो इन्नी तुसी डिटेल इसकी याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट 13 ऑफ अशोका, वट पॉलिसी डिड ही अडॉप्ट आफ्टर द कलिंगा वॉर। देखो कलिंगा वॉर तो
तो बाद अशोक ने किस पॉलिसी नू अडॉप्ट कीता और जिसकी जानकारी सानू 13वें रॉक अडिक्ट तो मिलती है। अशोक ने कहते हैं कि 84,000 अडिक्ट जड़े से बनवाए से, लेकिन अज बहुत घट अडिक्ट बच गए हैं और उन्होंने भी जो 13वां रॉक अडिक्ट है उसके विच सानू जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंगा वॉर जो कि 261 BC दे विच हुई सी उस तो बाद एक पॉलिसी नू अडॉप्ट कीता सी, उसका नाम की है तो देखो उसका नाम है विक्ट्री थ्रो धम्मा, पॉलिसी ऑफ धम्मा विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो अशोक लड़ाई तो बाद कलिंगा वॉर तो बाद बहुत ज्यादा व्याकुल रहने लग्या, जिस करके इसने बुद्धिज्म नू ज्वाइन किया और इस बुद्धिज्म नू ज्वाइन करने तो बाद इसने लड़ाई के कॉन्सैप्ट नू छड़ के धम्मा के कॉन्सैप्ट नू जिहड़ा सीगा ओ फॉलो किया सी। अगर तुहानू पुछ भी लैन कि अशोक ने जो बुद्धिज्म ज्वाइन किया और किस दे मगर लग के बुद्धिज्म ज्वाइन किया और इसके गुरु का नाम की सी, तो ओ सी उपा गुप्ता। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखो। Who was the chief priest in the Ashwamedha Yajna performed by Pushyamitra Sunga? देखो Pushyamitra Sunga की गल करा तो ये मौर्या डायनेस्टी तो बाद दी डायनेस्टी सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर Pushyamitra Sunga काफी पावरफुल, जिस करके इन्होंने दो यज्ञ करवाए जिन्हों बोलते हैं Ashwamedha Sacrifice यज्ञ। पूछ रहे हैं कि वो इन यज्ञों की पूजा किसने करवाई सी, तो देखो उस समय जो इन यज्ञों की पूजा करवाई गई सी वो करवाई गई सी पतंजलि वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पतंजलि वालों जिन्हें भी अश्वमेध यज्ञ से उन्हां दी पूजा करवाई गई सी। और तुसी ये भी कह सकते हो कि Pushyamitra Sunga दा अगर पूछ लैन कॉन्टेम्परेरी भी कौन सी, तो कॉन्टेम्परेरी सीगा पतंजलि, और पतंजलि जिन्होंने महाभाष्या बुक भी लिखी, तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। मैच द फॉलोइंग, तो दो लिस्ट है उन्होंने मैच करना है, बिल्कुल सौखा है। सानू स्टेट कंट्री दिती है और उन्होंने कैपिटल आपा लभनी है। तो देखो सब तो पहला तो अगर गल करिए चाइना, तो चाइना की कैपिटल सबनों पता है बीजिंग गई। उस तो बाद यूएसए, तो यूएसए की कैपिटल कही होगी, तो यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC। यूके, तो यूके की कैपिटल यूनाइटेड किंगडम की लंडन। रशिया, तो रशिया की कैपिटल मॉस्को। और फ्रांस, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वह है पैरिस। तो हम देखो एक्चुअल दे विच बहुत सौखा क्वेश्चन है, लेकिन यह पाया क्यों गया, तो तुहानू याद होएगा कि यह सारिया जो साइट कंट्री है ये तुहानू पढ़ के पता लग गया होएगा कि यह UNO दियां परमानेंट कंट्रीज है। इसे करके इन्हें पाया कि तुहानू भी पता चल जाए कि UNO दियां पांच परमानेंट कंट्रीज केड़ियां केड़ियां है और उन्हां दी कैपिटल भी केड़ी केड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है बी, चाइना दी बीजिंग, यूएसए वाशिंगटन, यूएसए दी जो सी वो सी वाशिंगटन DC, यूनाइटेड किंगडम लंडन, रशिया, तो रशिया दी मॉस्को और फ्रांस दी पैरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। Bull's eye is term linked to which sport? देखो Bull's eye एक term है जो use कीती जाती है किस sports दे विच, तो वो है shooting। तो shooting दे विच इसनू use कीता जाता है। देखो बहुत सारिया थावां ते तुहानू इह जो है वो archery भी लिखा मिलेगा, बिल्कुल सही है, archery भी राइट आंसर है, लेकिन अगर शूटिंग ही है तो शूटिंग लाओ, लेकिन अगर शूटिंग दे नाल नाल आर्चरी है तो फिर आर्चरी तुहाडा आंसर होएगा। इत्थे शूट इत्थे आर्चरी नहीं हैगा सी, इस करके मैं शूटिंग आंसर ला रहा। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नैशनल कांग्रेस। देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 हुई, किने कीती, तो ये जो स्थापना करवाई गई सी AO ह्यूम वालों यह स्थापना करवाई गई और इसके पहले प्रेजिडेंट सी WC बैनर्जी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है जिन्हों बारे दसने के केड़ी कुरैक्ट है। पहला Sarojini Naidu वॉज द फर्स्ट वूमेन टू बी प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस, बिल्कुल नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कांग्रेस की पहली प्रधान बनी सी वह बनी सी एनी बसंत। C.R. Das was in a prison when he functioned as the president of the Congress. जदों कांग्रेस के प्रधान के रूप में काम कर रहे सन C.R. Das उस समय वह प्रिजन सी, ये बिल्कुल सही है। The first Britisher to become the president of the
कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बिल्कुल नहीं, एक फाउंडर सीगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अल्फर्ट वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894, तो 1894 दे विच जो प्रेसिडेंट सी कांग्रेस दे उसी अल्फर्ट वेब, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 and 4, मतलब बी एंड डी जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Which one of the following is not a feature of the Government of India Act 1935? देखो इन्हें विच्चों 1935 दे एक्ट की कोई फीचर नहीं है। दराची एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, मतलब अगर आप गल करिए सेंटर लैवल ते अते स्टेट लैवल ते ड्यूल गवर्नमेंट स्थापित करना बाय कैमरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या एन ऑल इंडिया फेडरेशन, तो इन्हां विचों केड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो 1935 दे विच नहीं आया, तो वो सी दराची एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। तो इसका राइट आंसर है 1। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, देखो पेयर दिते हैं तो इन्हां विचों दसना है कि केड़ा पेयर मैच नहीं करता। मेरिट कॉन्सपरेसी 1877 विच बोलते पे है, कानपुर कॉन्सपरेसी केस 1924, ककोरी केस 1925 और असैम्बली बंब केस 1929। देखो असैम्बली बंब केस 1929 बिल्कुल सही है और ककोरी केस 1925 ये भी बिल्कुल सही है, कानपुर कॉन्सपरेसी केस 1924 तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मेरिट कॉन्सपरेसी 1877 विच ना होके 1929 विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट करेक्टली मैच। मैच द फॉलोइंग, देखो लिस्ट देती है लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन दे विच साडे कोले सब्जेक्ट है और लिस्ट टू दे विच उसदे फादर दे रूप विच मन्ने जाने वाले परसन दा नाम है। तो देखते हैं कि किस सब्जेक्ट दे केड़े फादर ने। सब तो पहला बॉटनी, देखो बॉटनी दे जो फादर है वह है थियोफ्रस्टस। बायोलॉजी, तो देखो बायोलॉजी दे जो फादर है वह है एरिस्टोटल, जिन्हों तुसी अरस्तू भी बोलते हो। माइक्रोबायोलॉजी, देखो माइक्रोबायोलॉजी दे जो फादर है वह है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो इसका जो जो मैचिंग बनेगी वह बनेगी सी दे नाल। उस तो बाद है मेडिकल साइंस, देखो मेडिकल साइंस दे जो फादर है वह है हिप्पोक्रेट्स, तो ए है डी नाल मैचिंग सी दे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह की है, तो वह है सी बॉटनी दे थियोफ्रस्टस, बायोलॉजी दे एरिस्टोटल, माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, माइक्रोबायोलो मेडिकल दे ओ है हिप्पोक्रेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म, देखो प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म इन्हां विचों केड़ी सी। तो सब नूं इह पता है कि बैक्टीरिया जो सी ओ प्रिमेटिव लाइफ फॉर्म दे विच गिनिया जांदा है, तो इस करके इसका राइट आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करैक्टली मैच, देखो लिस्ट वन लिस्ट टू दिती है। लिस्ट वन विच सानू कुछ प्रोटोकॉल दिते हैं, ईवीएस का टॉपिक है, और लिस्ट टू दे विच इस प्रोटोकॉल नाल रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिता है। तो देखते हैं केड़ा प्रोटोकॉल किस कॉन्सेप्ट नाल संबंध रखता है। सब तो पहला क्वेटो प्रोटोकॉल, देखो क्वेटो प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध सी ग्लोबल वार्मिंग दे नाल, ये बिल्कुल सही है। उस तो बाद मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल, देखो मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन लेयर दे नाल, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद है नगोया प्रोटोकॉल, देखो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है बायोडिवर्सिटी दे नाल, ये भी बिल्कुल सही है। और उस तो बाद है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दे नाल नहीं है, देखो बी ओ डी दे नाल इसका संबंध नहीं, इसका संबंध भी बायो डिवर्सिटी दे नाल ही है। तो कार्टाजेना दे विच भी बायोडिवर्सिटी दी ही गल कीती जांदी है, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उन्हां बारे गल कीती जांदी है। अगर तुहानूं पुछ लैण कि जो जातियां लुप्त हो गई या हो रही हैं उन्हां दा जो डाटा है वह किस बुक विच है, तो याद रखियो रैड डाटा बुक दे विच।
रेड डाटा बुक, और ये जो रेड डाटा बुक है इसनू रिलीज कौन करता है? तो याद रखियो ये जो रेड डाटा बुक है इसनू रिलीज किया जाता है IUCN वालों, और इसकी फुल फॉर्म भी तुसी याद रखनी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओनली फोर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नाल संबंध नहीं रखता, वो भी बायोडिवर्सिटी नाल ही संबंध रखता है। देखो बीओडी का मतलब की है, बीओडी का मतलब है कि वाटर विच मिनिमम ऑक्सीजन की जो मात्रा है, तो अगर पूछ भी लैन के किन्नी तो वो तुसी याद रख लियो 6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। इन विच ईयर पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन? देखो पंचशील समझौता इंडिया अते चाइना दे नाल होया, और ये समझौता होया कदों? तो ये समझौता जो होया सी, ये समझौता होया सी 1954 दे विच। अगर प्रॉपर डेट पूछ लें तो 28 अप्रैल 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪੀਐਮਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ। तो इनटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग, तो कुछ कॉन्सेप्ट दिते हैं, देखना है किन्ना नाल रिलेटेड है, पर्सन का नाम दिता है। तो सब तो पहला अपने को ले अगस्त डिक्लेरेशन। देखो जो ये अगस्त डिक्लेरेशन है इसका संबंध सी मोंटेग्यू दे नाल। अगस्त प्रपोजल, देखो अगस्त प्रपोजल का संबंध है लॉर्ड लिन लिथगो दे नाल। अगस्त संकल्प लिता गया सी महात्मा गांधी वालों, और अगस्त एक्शन लिता गया सी मुहम्मद अली जिन्ना दे वालों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगस्त डिक्लेरेशन का संबंध मोंटेग्यूज नाल, अगस्त प्रपोजल का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो दे नाल, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और डायरेक्ट एक्शन ओ मुहम्मद अली जिन्ना। Which of the following are true? इस इन स्टेटमेंट विचों केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन July 2, 1947। बिल्कुल ठीक है, 2 जुलाई 1947 नूं साडा जो नेशनल फ्लैग है इसनों अडॉप्ट किया गया। और अगर पूछो नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पंगाली वेंकैया ने यह जो सी नेशनल फ्लैग का डिजाइन तैयार किया। उस तो बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम ऑन January 24, 1950। बिल्कुल, जो जन गण मन है साडा, यह अडॉप्ट किया गया सीगा January 24, 1950। इतों तक याद रखियो जो वंदे मातरम है, यह भी जो साडा नेशनल सोंग है यह भी अडॉप्ट किया गया सी January 24, 1950। तो यह भी करैक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। ऑन January 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड इट्स अ फाइनल सेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज 24 जनवरी 1950 में जो फाइनल सेशन होया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए। 1 और 2 स्टेटमेंट करैक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। Who gave the theory of relativity? देखो theory of relativity किसने दिती? तो यह दिती अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी दिती सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Who was the writer of Silent Spring? Very very important question, और very very important book है Silent Spring। ठीक है, EVS नाल संबंध रखती है, environment नाल संबंध रखती है, और इस book की जो writer सीगी वो सी Rachel Carson। तो इस question का right answer है B। लेडी सन, इस लेडी नू जो सीगा उसनू एक्चुअल दे विच कैंसर सी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनवायरमेंट नू बचाउण दे लई ये देखिया कि जो ये DDT है
तुसी नाम सुनिया होगा, ठीक है, डीडीटी। इस डीडीटी करके जो पंछी मर रहे सी उन्होंने लिए इन्होंने एक बुक लिखी सी साइलेंट स्प्रिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, और ये लिखी रिचर्ड कार्सन ने। मैच द फॉलोइंग, देखो लिस्ट वन नू लिस्ट टू नाल मैच करना है। लिस्ट वन दे विच है अमेंडमेंट, और लिस्ट टू दे विच उस अमेंडमेंट द्वारा जो कॉन्सेप्ट लागू किया गया वो है। देखो 44th अमेंडमेंट जो 1978 हुई, इसका संबंध है लीगल राइट टू प्रॉपर्टी दे नाल। देखो एक्चुअल दे विच जो प्रॉपर्टी का राइट सी ए सी फंडामेंटल राइट, लेकिन इस नू 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा चेंज करके लीगल राइट जो सी वो प्रॉपर्टी का बना दिता गया, और अज ए 300A आर्टिकल दे अंडर शामिल है। तो ए दा जो संबंध है वो है तीन नाल। 86 अमेंडमेंट 2002, देखो 86वीं अमेंडमेंट 2002 दा संबंध है फ्री एजुकेशन नाल। देखो 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा ही जो फ्री एजुकेशन है 6 तो 14 साल दे बच्चे नू उसनू फंडामेंटल राइट बनाया गया सीगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा बी दा 4। उस तो बाद 42nd अमेंडमेंट 1976, तो जो 42वीं अमेंडमेंट है इसनों से लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन दे नाल जानते हैं, तो सी नाल रिलेट होएगा बी। उस तो बाद है 73वीं अमेंडमेंट 1992। देखो 73वीं अमेंडमेंट 1992 का जो संबंध है वो है पंचायती राज सिस्टम दे नाल, मतलब डी का जो संबंध है वो है ए दे नाल। तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर बनता है वह बनता है डी। 44वीं अमेंडमेंट 1978 का संबंध लीगल राइट टू प्रॉपर्टी, 86वीं अमेंडमेंट 1902 इसका संबंध फ्री एजुकेशन के नाल, 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसनों के लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और 73वीं अमेंडमेंट 1992 का संबंध है पंचायती राज सिस्टम के नाल। Which of the following pair is are not correctly matched? इन्हें विचो केड़ा pair correctly matched नहीं हैगा? नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व उत्तराखंड विच है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है उत्तराखंड च है। मनार बायोस्फेयर रिजर्व ये तमिलनाडु विच है, बिल्कुल सही है तमिलनाडु च है। सिंपलीपल बायोस्फेयर रिजर्व उड़ीसा विच है, बिल्कुल ये उड़ीसा विच है। नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व गुजरात विच नहीं, ए गुजरात विच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली 4। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जेड़ा है ओ ट्राई जंक्शन ते बनया हुआ है, मतलब तीन स्टेट जो मिलके एक सांझा एरिया बनाउंदियां है, और उस सांझे एरिया दे विच जेड़ा हैगा ए बनया हुआ है, और वह सांझा एरिया केड़ा हैगा केरला का। कर्नाटका तमिल नाडु दा, तो ये तिन्ने स्टेट मिलके एक एरिया बनांदे ट्राइजंक्शन बनांदे आ, और उत्थे ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और तुहानूं ये भी दसदा कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया दा फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इन्नी गल तुसीं याद रखनी है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, सबनों पता है इकोनॉमिक्स के फादर है जो वो है एडम स्मिथ, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो याद रखियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर ने रेगनर फ्रिंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रेगनर फ्रिच जेड़े हैगे है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स दे फादर है, जदों के कल्ले माइक्रो जो कल्ले इकोनॉमिक्स दे फादर है वो है एडम स्मिथ, और अगर पूछ लें मैक्रो इकोनॉमिक्स दे तो वो है जेएम केन्स। द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज, देखो अगर आप गल करिए इंडिया दी, तो इंडिया दा जो नॉर्थ वाली साइड ते एंडिंग पॉइंट बनेगा वो केड़ा है, तो वो है इंदिरा कोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, और अगर तुहानू साउथ विच पूछ लें तो वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु का एरिया, और नॉर्थ विच जो है वह है इंदिरा कोल, और एक जम्मू कश्मीर वाला एरिया पएगा। अगर पूछ रहे हैं वेस्ट विच केड़ा है, तो देखो वेस्ट दी अगर मैं गल करा तो वेस्ट विच है गुहार मोता, और ये एरिया पैंदा है गुजरात दा,
और जो ईस्ट वाली साइड से आखिरी पॉइंट है वो है किबिथू, किबिथू, और एक किबिथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया पैंदा है। देखो अगर तुहानू पूछ लैन कि जो एंडिंग पॉइंट है नॉर्थ विच वो है इंदिरा कोल और साउथ विच है कन्याकुमारी, लेकिन अगर वो वाटर बॉडी वाला एरिया पूछना है जो इस अंडमान निकोबार दे विच बनेगा उसका पॉइंट की है तो वह भी तुसी याद रखना है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट नू तुसी कई बारी पेगमेशन पॉइंट भी बोलते हो, पेगमेशन पॉइंट। तो इन डिटेल तुसी याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज नॉट अमंग द नेचुरल प्रॉपर्टीज। देखो इन्हां विचों सारियां ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूछिए कि केड़ी नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है। कि काजीरंगा नेचुरल पार्क बिल्कुल 1985 विच इसनू वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिहड़ा सी ओ घोषित कीता गया सी। और ये कित्थे है अगर पूछना, काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये असम दे विच है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 विच इसनू भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, और ये कित्थे है तो ये भी असम दे विच है। उस तो बाद सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 विच इसनू वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और ये वैसट बंगाल दे विच है। जदों के चंपानार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वह 2004 दे विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो बनिया, लेकिन यह एक तरह की नैचुरल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, और यह कितने है तो याद रखियो यह है गुजरात दे विच। On the day the sun is closest to the earth is said to be। देखो जदों सूरज अते धरती बहुत ज्यादा नजदीक होंगे हैं उस कॉन्सैप्ट नू की बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। और जदों सूरज अते धरती बहुत दूर होंगे उसनू की बोलांगे, उसनू असी बोलते हैं एपहेलियन। तो देखो जदों सूरज और धरती बिल्कुल नेड़े होंगे वो होगा क्लोजेस्ट, मतलब वो नेड़े होंगे तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, और अगर वो दूर होंगे तो उसको बोलेंगे एपहेलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। देखो इन्हां विचों केड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, केड़ी है? तो देखो सब तो पहला तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज केड़ी होंदी है, देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होंदी है जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। तो इन्हां विचों केड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो वह है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारिया ही जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है, कैंसर, हाइपरटेंशन अते डायबिटीज, तो ये तीनों ही जो बीमारियां ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दे विच आंदियां। अच्छा इन नॉन कम्युनिकेबल नू असी जो क्रॉनिक डिसीज दे नाल भी जानते हैं, अगर तुहानू पुछना है क्रॉनिक डिसीज की होंदी है तो वह भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होंदी है जो कि एक परसन तो दूजे परसन तक नहीं फैलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पंजाब एंड हरियाणा रिसीव विंटर रेनफॉल इन दिसंबर मार्च इज बिकॉज ऑफ। देखो पंजाब दे विच जो दिसंबर मार्च दे विच रेनफॉल हुंदा है सर्दियों दे विच ये किसदे करके हुंदा है, तो यह हुंदा है वैस्टर्न डिस्टर्बेंस करके। वैस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर गल करां तो यह वैस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये विंडस आंदियां हैं मेडिटेरियन सी तो, और पंजाब अते हरियाणा दे विच जो है वह मीह पाउंदियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीन, इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट। देखो इकोसिस्टम दे विच जो हर्बीवोरस होंदे है वह रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर नू, तो एक्चुअल दे विच जो हर्बीवोरस है उन्हां नू असीं प्राइमरी कंज्यूमर दे नाल नाल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ओजोन लेयर इज डैमेज बाय। देखो ओजोन लेयर जिहड़ी है वह डैमेज हो जाती है किसके करके, तो वह है सी एफ सी दे करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। देखो सी एफ एस सी एफ सी का मतलब की है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो कि अपने एसी
ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀਐਫਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਫਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੈਸ ਜੋ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ डे कदों मनाया जाता है तो 16 सितंबर नूं ए डे जो है वह मनाया जाता है। और इसका यूनिट भी तुसीं याद रखना है डीयू, जिन्हों डॉपसन बोलते हैं, डॉपसन, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रखनी है। और ये अगर पूछ लैन कि ओजोन लेयर कित्थे पाई जाती है, तो एटमोसफेयर दी जो लेयर है उन्हां विचों जो एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसदे विच पाई जाती है ये ओजोन लेयर। Phobos and Deimos are the natural satellite of which of the following planet? देखो किस planet दे natural satellite है Phobos अते Deimos, तो वो है Mars दे। तो इस question का right answer है A। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि जो अपडेट समय से मिल सके, और इस सीरीज दी वीडियोज़ नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।